प्रणाम दीदी। की भेल दीदी, किया दुखी बैठल छियै? भरि दिन देखियै दीदी गाय के खिबै छियै आ गाय बीमार रहै छै आ गाय कम दूध दै छै, की करियै दीदी? ये से बात छै दीदी। इहे बात छै ये दीदी। अच्छा दीदी, चारा के रूप में गाय के की दै छियै खाय पी ले? दीदी लार पुआर खिबै छियै या भूसा खिबै? दीदी हमू सब अही सब गाय के खिबै छी। आरती भाई जी छथिन से एगो तालिका लाया बतेलखिन हन, घर के सामान सब से चारा बनै छै आ ओ चारा जे माल खाय छै तो गाय के से दूधो होय छै आ गायो बीमार नहीं पड़े छै। ई तो बहुत बात बढ़िया छै दीदी, चलू हमू जाके तो देखबै। चल प्रणाम प्रणाम, आओ अही सब के इंतजार कर रहल छी, आओ बैसू। देखियो दीदी, अहाँ के तो मालूमे छै घरेलू चारा बनेबे, एकरा बारे में कोन कोन सामान लागते या की फायदा छै से बतेबे। हाँ भाई जी, आई सुन के हमू अलिये सीखै ले, आए दीदियों के साथ में लौक अलिये। भाई जी कोन कोन सामान के जरूरी छै से हमरा बता दी। दीदी 20 किलो चारा बनबे के लेल कते कते सामान लागे छै आओ बतबै छी। सबसे पहले मकई के दर्रा 8 किलो लागे छै, दोसर में ई गहूम के दर्रा भेले 6 किलो, धान के गुंडा लागे छै 2.5 किलो। दीदी ई भेले दलिहन छियै आ ई जौ छियै, दुनू मिला के छै से 1 किलो ई भेले। ठीक छै भाई। दीदी ई सरसो के खल्ली भेले, ई 2.5 किलो छै, 250 ग्राम गुड़ छै, एकर मात्रा ई छै से 50 ग्राम नमक भेले। ठीक छै भाई। ई छै से गुड़ के मिलबै के लेल ई पानी छै, सुसुम पानी छै 250। सबे घरे के छै भैया यौ? हाँ भाई। हाँ दीदी। अच्छा भाई जी, हम समझ गेलियै से घरेलू चारा बनबै के लेल 8 सामान के जरूरत पड़ै छै। मकई, गहूम, दाल के छिलका, धानक गुंडा आ खैर आ नीमक आ गुड़। देखियो भाई जी, तब आगे सब की करबे, केना के मिलेबे आब? देखियो दीदी, केना केना मिलबै छियै से आब आगे में बतबै छी। सबसे पहले गुड़ के मिला के अलग रख लेबे। देखियो दीदी ई आब बढ़िया से मिल गेले, एकरा अलग के रख ले छियै। आओ दीदी, एकरा सब के एक साथ मिलबे के छै और कनी मिला दियो हम सब। ठीक छै भाई जी, मिला दी। दीदी मिलायल भ गेले, एकरा में नमक मिला दे छियै और गुड़ मिलेबे। ठीक छै भाई। मिला दियो। मिल गेलै भाई जी, आबै के की करबै? ई बतेलियै तऽ बड़ी नीक, केना केना खियेबै से आब अहाँ बता दियो। दीदी जे गाय महीस 5 लीटर दूध दै छै ओकरा जे छै से आधा मतलब छै से 2.5 किलो खिबै के छै साँझ भिनसर मिला के। दीदी एकरा छै से आब बनि गेलै, एकरा छै से बोरा में रख देबै, सुरक्षित रहतै और 1 महीना तक खिएबै। तऽ समझे गेलियै भाई जी, केना खिएबै से जते दूध दै छै तैके आधा आ गाय भैंसी के केना बड़का के खिएबै से समझा दी। दीदी एकरा छै से गरम पानी में 1 घंटा छोड़ दे के छै, अगर 2.5 किलो छै से देबै चारा तो 5 लीटर पानी में 1 घंटा छोड़ दे के छै। ई चारा जब ठंडा भ जेतै तब भूसा के साथे और हरियरी साथे खिबे के छै। हम तो बुझे गेलिए भाई जी, से घरे के सामान छै, मेहनतो नहि लागै छै, लेकिन फायदा की छै? घरेलू चारा बनबै में क्या प्रकार के फायदा छै? घर के चारा शुद्ध छै आ खेला से दूध भी अधिक देते और स्वस्थ भी रहते। अच्छा भैया, घरे के सामान छै, बाजार से खरीदा नहीं पड़ते और पैसो बचते। भैया
गर्भवतियों गाय के खिया सके छे। हाँ दीदी, गर्भवती गाय के की साथ में महिषो के खीवे दी छे। दीदी, गर्भवती गाय के खीवे से बच्चा स्वस्थ जन्म ले छे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, हम तो चारा बनेनाय सीखिए लेलिए, बस हमू सब जाए छे घरेलू चारा बनेबे आ पशु के खियेबे। बहुत अच्छा दीदी, धन्यवाद भाई जी, हम सब चले छी। ठीक छे भाई। घरेलू चारा बनबे ले चार बात पर ध्यान देके छे। पहले बात छे, घरेलू चारा बनबे के लेल सही मात्रा में सामान मिलबे के छे। जना कि 50 किलो चारा बनेबे, 15 किलो मकई, 12.5 किलो गहूँ, 7.5 किलो खल्ली, 7.5 किलो दाल के छिलका, 5 किलो धान के गुंडा, 2.5 किलो जौ, 2 किलो गुड़ और 0.5 किलो नमक के जरूरत पड़ते। दाना के दोबर गरम पानी में 1 घंटा फुलबे के छे और जब ठंडा भयते तब भूसा हरियरी के साथ में खीबे के छे। गाय दूध जत्ते दे छे ओकरा 0.5 मात्रा में दाना दे के छे। जना कि 5 लीटर दूध देते तो 2.5 किलो दाना दे के छे सुबह शाम मिला के। ध्यान देवे, गर्भवती गाय छे तो साधारण गाय से 1 किलो ज्यादा खिलवे के छे।